नवरात्र की शुरुआत के साथ ही बजरंग दल ने तमाम गरबा और डांडिया आयोजकों को फरमान जारी किया है, इन आयोजनों में गैर हिंदू समुदाय के लोगों को आने पर रोक लगाई जाए। बजरंग दल की ओर से इन तमाम आयोजकों को फरमान जारी करते हुए कहा गया है कि वह गरबा और डांडिया के कार्यक्रम में आने वालों का पहचान पत्र अवश्य देखें, इनके बिना आधार कार्ड देखे प्रवेश करने की अनुमति ना दी जाए। बजरंग दल काशी महानगर के संयोजक निखिल त्रिपाठी रुद्र का कहना है कि ऐसे करने में तमाम गैर हिंदू समुदाय के लोग जो गरबा और डांडिया के कार्यक्रम में आते हैं उनकी पहचान हो सकती है और इन्हें इन कार्यक्रम में आने से रोका जा सकता है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि पूरे देश भर में नवरात्रि का जो पावन पर्व है उसे धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस पावन पर्व में अनेक प्रकार के आयोजन होते हैं, जैसे डांडिया और गरबा का आयोजन, जगह जगह तमाम ही आयोजन समिति इसका आयोजन करती है। तो हमने बजरंग दल काशी महानगर ने एक पत्रक जारी किया है। इस पत्रक के आधार पे जो भी डांडिया और गरबा आयोजन समिति है, ये समिति उन्हीं व्यक्तियों को प्रवेश दे जो हिंदू समाज से हो और गैर सनातनियों का प्रवेश निषेध करे, क्योंकि गैर सनात का भी काफ़ी ऐसी घटनाएँ जो घटित हुई हैं जिसमें गैर सनातनी समुदाय के लोग इस आयोजन कार्यक्रम में प्रवेश करके वहाँ हिंदू माताओं और बहनों के साथ छेड़छाड़ करते हैं और लव जिहाद को बढ़ावा देते हैं। इस आयोजन समितियों से मिला जा रहा है, उनको पंपलेट दिया जा रहा है, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से इस बात को प्रसारित किया जा रहा है। बजरंग दल ने जो आह्वान किया है उसको पूरा किया जाए, नतीजा जो भी होगा आप सबके सामने होगा।